वीडियो में आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो बच्चों पांच मेथड हैं जिन पे हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये पूरी की पूरी वीडियो देखते हो तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से डिफरेंट मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र किया जाता है। तो सबसे पहला मेथड जो है उसको हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसको टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं। इस वाले मेथड में जब हम प्राइस चेंज होता है तो उससे टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या परिवर्तन आया, क्या डायरेक्शन में परिवर्तन आया, इसको मेजरमेंट करने का काम करता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिग्री को नहीं बताता जो एक्चुअल डिग्री होती है, बल्कि आपको एक डायरेक्शन दे देता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। बच्चों देखिए, सबसे पहले नंबर वन, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है पहले हम ये समझ रहे हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर निकालने का तरीका होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। यानी कि जब मान लीजिए आपने क्या किया, 100 रुपये के हिसाब से 10 किलो आम खरीदे, इसका मतलब ये हुआ कि आपने आम खरीदने पर 1000 रुपये खर्च किए। मैं आपको यही चीज़ लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए प्राइस और क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राइस मान लीजिए इनिशियली 100 रुपये था, आपने क्या किया 100 क्वांटिटी बाई की, हम 100 क्वांटिटी ले लेते हैं, इसका मतलब आपने जो खर्चा किया वो 10000 रुपये किया। अब मान लीजिए कि इसका प्राइस जो है वो बढ़कर 200 रुपये हो जाता है, और मान लीजिए कि गुड्स ऐसी है जो नेसेसिटी में आती है, जैसे दूध है, पनीर है, सब्जी है, यानी कि ऐसी गुड्स है जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो। तो ऐसी गुड्स के केस में अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिलेगी, हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग दूध पीना बंद कर देंगे, लोग सब्जी खाना बंद कर देंगे, लोग पानी पीना बंद कर देंगे। यानी कि जो नेसेसिटी गुड्स है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो आप फिर भी 90 रुपये खर्च कर रहे हो, इसका मतलब आपका जो एक्सपेंडिचर है 9 × 18000 रुपये हो गया। इसी तरीके से अगर ये 50 रुपये हो जाए, मान लीजिए 50 रुपये हो जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि आप ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दोगे, चलो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पी लिया, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दूध पी लिया, लेकिन इसकी डिमांड में कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलता है। इसका मतलब इस स्थिति में आपने जो खर्चा किया वो 5500 किया। तो कहने का क्या मतलब है कि इस वाले केस में जब प्राइस बढ़ा है तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो घटी है, सॉरी प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा है, और प्राइस घटने से टोटल एक्सपेंडिचर में कमी देखने को मिली है। यानी कि सेम डायरेक्शन में चेंज हुआ है। किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है? सेम डायरेक्शन। तो अगर प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में चेंज होता है तो इसको बोलते हैं ईडी लेस देन वन। आप याद रखिएगा, इस केस में ईडी लेस देन वन होगी। दूसरा केस ले लेते हैं बच्चों। दूसरे केस में मान लीजिए कि आपका जो प्राइस है, क्वांटिटी है, टोटल एक्सपेंडिचर है। अब मान लीजिए आप कोई ऐसी गुड्स यूज़ कर रहे हो जिसका यूज़ करना आपके लिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए उसका प्राइस 10 रुपये है और आप 100 क्वांटिटी बाय करते हो और आप खर्चा करते हो मान लीजिए 1000 रुपये, चलिए 10000 ही मान लेते हैं, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। प्राइस 200 हो जाए तो क्योंकि गुड्स बहुत ज़रूरी नहीं है, लग्जरी में शामिल है, आप उसकी डिमांड को बहुत ज़्यादा चेंज करते हो, यानी कि केवल आप केवल 40 गुड्स खरीदते हो, इसका मतलब आपका जो खर्चा है जो पहले आपका था 10000 रुपये, ठीक है, वो कट के 8000 रुपये रह गया। इसी तरीके से अगर वो 50 हो जाए तो आप क्या करते हो, 220 या 240 गुड्स की डिमांड करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो खर्चा है वो 12000 रुपये हो गया। तो इस केस का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले केस में आपने, यानी कि प्राइस के बढ़ने से आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो घट गया, और प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हुआ है। प्राइस बढ़ी है, एक्सपेंडिचर घटा है, प्राइस घटा, एक्सपेंडिचर बढ़ा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है। इस केस में जो ईडी होगी इट विल बी मोर देन वन। एक और केस हम बच्चों ले लेते हैं, आप बच्चों के लिए ही, ठीक है, यही ले लेते हैं। तीसरा केस और हम ले लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन ही तो जानना है,
यानी कि प्राइस 100 रुपये पर, क्वांटिटी 100 है, आप 10,000 खर्चा कर रहे हो। प्राइस 200 होने पर भी आपने इस तरीके से डिमांड में एडजस्टमेंट किया कि आपका खर्चा 10,000 ही रहा, और प्राइस 50 होने पर भी आपने डिमांड को इस तरीके से एडजस्ट किया कि आपका खर्चा 10,000 ही रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस के बढ़ने से या घटने से आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कॉन्स्टेंट बना रहेगा। इसका मतलब इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट विल बी इक्वल टू 1, यानी कि मोर देन 1 कब कहलाएगी, मोर देन 1 कहलाएगी जब प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। देखिए यही सब बातें यहाँ पे भी लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि इसका जो मेथड है वो मार्शल ने डेवलप किया, और बेसिकली ये पता करता है कि प्राइस चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर किस डायरेक्शन में चेंज हुआ, और ये कॉफिशेंट को नहीं बताता, डिग्री एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बताता। तीन पॉसिबिलिटीज हैं, मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। मोर देन 1 तब होगी जब प्राइस के गिरने से टोटल एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज कर जाएगा, और प्राइस के इंक्रीज करने से टोटल एक्सपेंडिचर फॉल कर जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव में इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, यानी कि प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, प्राइस घटने से एक्सपेंडिचर घटेगा। और इक्वल टू 1 में क्या होता है, प्राइस बढ़े या घटे एक्सपेंडिचर इक्वल रहता है। मैं आपको यही बात एक डायग्राम से भी समझा सकता हूं, अगर आप इसको ठीक तरीके से देखें तो। यहां पे हम लिख लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, और यहां पे हम लिख लेते हैं प्राइस। तो मान लीजिए किसी गुड्स का प्राइस पी ए है, तो उस पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, जिसको हम बोल देते हैं मान लीजिए एल बोल देते हैं। अब प्राइस बढ़कर अगर ओ बी हो जाता है और आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, यानी कि प्राइस बढ़ने से आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा, प्राइस बढ़ा साथ ही साथ आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा, यानी कि सेम डायरेक्शन में हुआ है, तो इस केस में जो आपकी ईडी होगी इट विल बी मोर देन 1, यानी कि प्राइस बढ़ने से, सॉरी लेस देन 1, प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ा, इसलिए ईडी लेस देन 1 होगी। अगर हम एक और केस ले लें जिसमें हम कहते हैं कि प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि प्राइस बढ़ गया लेकिन एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहा, देखिए ना बिल्कुल कांस्टेंट है, तो इस केस में ईडी होगी इक्वल टू 1 होगी। और अगर प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर कम हो जाता है तो आपकी जो ईडी होगी इट विल बी मोर देन 1, यानी कि अगर प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो ईडी मोर देन लेस देन 1 होगी, प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है तो इक्वल टू 1 होगी, और प्राइस के बढ़ने से घटता है तो ये इस तरीके का बच्चों डायग्राम बनेगा टोटल एक्सपेंडिचर का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अगला जो मेथड है ये समझाने के लिए बनाया था, अगला जो मेथड है उसको बोलते हैं हम परसेंटेज मेथड। देखिए परसेंटेज मेथड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको करवा दूंगा। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारा जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि हम क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड को परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड करके हम अपनी वैल्यू निकालते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से निकालते हैं। देखिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड का मतलब है चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड इनटू 100, और चेंज इन प्राइस का मतलब होता है चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू 100। अब जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि पिछले साल मेरी इनकम 500 रुपये थी और इस साल मेरी इनकम जो है वो बढ़कर 600 रुपये हो गई है, तो आपको मेरे आप परसेंटेज चेंज इन इनकम बताना है। तो कैसे पता करोगे, चेंज इन इनकम अपॉन इनकम इनिशियल इनकम इनटू 100, यानी कि 100 को 500 से डिवाइड करके, तो इसका मतलब जो चेंज हुआ है वो इट विल बी 20%। तो इसी तरीके से अगर क्वांटिटी में परिवर्तन पता करना है तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू 100 हो गया, प्राइस में परसेंटेज चेंज पता करना है तो डेल्टा पी अपॉन पी इनटू 100 हो गया। जब इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा क्यू, जैसे यहाँ पे दिया हुआ डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन में पी, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू लगाएंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करोगे तो पी बाय क्यू हो जाएगा। जो इसके आगे माइनस का भी साइन लगता है जो ये डिनोट करता है
कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, तो आप इसका प्रयोग कर भी करके एक्सप्लेन कर सकते हो। तीसरा मेथड जो हम बात कर रहे हैं बच्चों वो है पॉइंट मेथड, यानी कि पॉइंट मेथड में क्या होता है, इसका भी प्रयोग मार्शल ने किया, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व इसको बच्चों ज्योमेट्रिकल मेथड से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, इसके फॉर्मूले को डेरिवेट भी कर सकते हो, अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। तो ये बच्चों हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं, दो तरीके के कर्व हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको लीनियर समझाने की कोशिश करता हूं। आगे देखिए, ये एक सीधी रेखा में डिमांड कर्व है जिसको कि हम नाम दे देते हैं LM, और ये है बिल्कुल मान लीजिए मिड में A है, ये वाला जो है ये LM है, L है, B है और C है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इसकी जो इलास्टिसिटी है उसको पता करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैसे पता करेंगे बच्चों, बहुत आराम से आप समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल मिड में है, इसका मतलब ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं अगर कोई यहाँ पे आता है तो मिड से नीचे आएंगे और यहाँ से ऊपर आता है, और ये स्ट्रीम एंड पर है, इसलिए यहाँ पे बी और सी बता दिया है। अब हम सुविधा के लिए मान लेते हैं कि जो LM है इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हमने मान लिया सिंपल समझने के लिए, हमने ये अज्यूम कर लिया कि जो LM है वो 4 सेंटीमीटर है, और हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमें ए पॉइंट पर पता करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर सेगमेंट को अपर सेगमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि AM को डिवाइड करेंगे AL से, बिकॉज वी नो दैट AM इक्वल टू AL, क्योंकि दो हिस्सों में बराबर बराबर हिस्से में बटा हुआ है, इसका मतलब है क्योंकि AM जो है वो बराबर बराबर है AL के, तो जो ED होगी इट विल बी इक्वल टू 1। अगर हम B पॉइंट पे पता करें ED एट पॉइंट बी, तो आपको पता होगा बच्चों लोअर सेगमेंट कितना है, लोअर सेगमेंट इज BM और अपर सेगमेंट इज BL, तो BM की जो वैल्यू है डेफिनेटली जो BM होगा इट विल बी लेस देन लेस BL, यानी कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर हुआ, यानी एक को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर पॉइंट में ही आएगा, इसका मतलब इस केस में जो ED होगी इट विल बी लेस देन 1। इसी तरीके से बच्चों अगर हम ED पता करते हैं ED एट पॉइंट C, तो लोअर सेगमेंट है CM, अपर सेगमेंट है CL, क्योंकि लोअर सेगमेंट जो है वो बड़ा है अपर सेगमेंट से, यानी कि जो CM है वो बड़ा है CL से, इसलिए जो आंसर आएगा ED का इट विल बी मोर देन 1। अगर हम पॉइंट L पे पता कर लें, यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चों ED एट पॉइंट L, तो लोअर सेगमेंट कितना है, लोअर सेगमेंट इज LM और यहां तो कुछ है ही नहीं, जीरो बचेगा, यानी किसी भी वैल्यू को अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे तो आंसर इंफिनिटी आएगा, अनंत से आ जाएगा। ओके बच्चों, इसी तरीके से ED एट पॉइंट M, तो M तो बचा है और पूरा का पूरा लाइन बची हुई है, यानी कि जीरो है ऊपर, मान लीजिए 4 ये है, तो आंसर जो आएगा इट विल बी 0। तो सिंपल कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि इस पॉइंट पर ED जो है वो इक्वल टू 1 होगी, इन सारे पॉइंटों पर ED मोर देन 1 होगी, यानी कि C पॉइंट पर ED मोर देन 1 होगी,
नीचे सारे पॉइंटों पर ईडी लेस देन वन होगी, इस वाले पर ईडी जीरो होगी और इस वाले पर ईडी इन्फिनिटी होगी। तो इस तरीके से हम सिंपल लीनियर डिमांड कर्व में आप एक ग्राफ बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस अभी हम अगला जो है नॉन लीनियर उसको भी समझ लेते हैं। देखिए नॉन लीनियर है, मैं आपको तीन डायग्राम बना के दिखा देता हूं। इसमें मान लीजिए ये वाले डायग्राम है नॉन लीनियर, तरीका बिल्कुल वही है बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसके इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता करनी है ए पॉइंट पर। इसमें मान लीजिए हमें बिल्कुल इसके मिड पे पता करना है बी पॉइंट पर, और इसमें मान लीजिए यहां पे पता करना है सी पॉइंट पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे जो इस ए को इंटरसेक्ट करती जाएगी। अब थोड़ा सा ऊपर से आएगा ऐसे, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी है लेकिन आप समझ जाइएगा। तो आप पाओगे कि जो हमारा ये वाली हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये बड़ा है और ऊपर वाला हिस्सा छोटा रहेगा, तो इसका मतलब है ईडी जो है वो मोर देन वन रहेगी। इस वाले हिस्से में आप जब इंटरसेक्शन करोगे इस तरीके से, तो दोनों हिस्सा बराबर बराबर होने की वजह से इक्वल टू वन होगा। और इस तरीके वाले डायग्राम में आप जब मिलाओगे लाइन, तो ये हिस्सा छोटा मिलेगा, इसलिए ईडी लेस देन वन होगी। यानी कि आप किसी भी मेथड का यूज करो, अगर हम इस एक की बात करें तो इस केस में जो ईडी है, ईडी एट पॉइंट ए, इस केस में ईडी जो है वो ए एल अपॉन ए एम है, यानी कि क्योंकि ए एल जो है वो बड़ा है ए एम से, इसलिए ईडी जो होगी वो मोर देन वन होगी। इस वाले केस में भी हम इसी तरीके से बात कर लेते हैं, क्योंकि ईडी एट पॉइंट बी, इस केस में अगर हम देखेंगे तो बी एम अपॉन बी एल, क्योंकि बी एम जो है वो बड़ा है बी एल से, इसलिए ई डी जो होगी इट विल बी मोर देन वन। सेम यहां पे देख लेंगे तो सी एम ई डी एट पॉइंट सी, क्योंकि सी एम जो है अपॉन सी एल, और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि सी एम इज स्मॉलर देन सी एल, सो ई डी इट विल बी लेस देन वन। तो इस तरीके से बच्चों आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता कर सकते हो, सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगला जो मेथड है बच्चों आर्क मेथड है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या करते हैं, दो पॉइंट पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का काम करते हैं। देखिए मैं समझाता हूँ किस तरीके से। जैसे मान लीजिए आपको ईडी पता करना है, तो फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। हम यहाँ पे माइनस को इग्नोर कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमारा प्राइस जो है वो ₹10 पर हम 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं और ₹12 पर हम 80 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने आपको बताया। अब इनिशियल प्राइस क्या है ये हमें नहीं पता, हम एक डिमांड का ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए प्राइस ₹10 पर, क्वांटिटी 100 है, प्राइस ₹12 होने पर क्वांटिटी 80 है। पॉइंट ए पॉइंट बी, ये मान लीजिए हमारा सीधा डिमांड कर्व है, लीनियर डिमांड कर्व है। अगर हम ए को इनिशियल मान लें और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट पता करें, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय में क्यू। यानी कि कितना चेंज आया है, चेंज आया है क्वांटिटी में 20 का, माइनस लिख देता हूं मैं, वैसे हम माइनस को इग्नोर करने वाले हैं बच्चों, अपॉन प्राइस में 2 का इंटू इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस ए पॉइंट लिया ना हमने, तो ये हम ए मान के चल रहे हैं इस पे,
इनिशियल प्राइस 10 का है और इनिशियल क्वांटिटी 100 की है, तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे इट विल बी -1, आप इसे 1 भी कह सकते हो। इसी तरीके से अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं, जिसमें हम ये मान लेते हैं कि हम बी पॉइंट पर हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी तो सेम रहेगा इनटू पी। अब प्राइस लेंगे, इनिशियल प्राइस है 12 और इनिशियल क्वांटिटी 80, यानी कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका आंसर आएगा इट विल बी 4 बचेगा, तो 8.5। इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग जगह अलग अलग आंसर आ रहा है, मतलब ए से बी पर जाने पे अलग आंसर आ रहा है, बी से ए पे आने पे अलग आंसर आ रहा है। आर्क का मतलब होता है चाप, इस तरीके का आर्क। आर्क हम क्या करते हैं, इस डिमांड कर्व के इस पॉइंट के बीच में, यहां पर मिडिल में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता करेंगे, इसको बोलते हैं आर्क मेथड। यानी कि आर्क मेथड में, क्योंकि इनिशियल प्राइस क्या है, इनिशियल क्वांटिटी क्या है, ये कंसिडर होता ही नहीं है, इसीलिए दोनों प्राइसेस को शामिल करते हैं, दोनों क्वांटिटी को शामिल करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बनता है बच्चों, जैसे हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी बाय में क्यू, सॉरी गलत बोला मैंने, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय में क्यू, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसमें, ये वाला फार्मूला होता है हमारा परसेंटेज मेथड में। लेकिन आर्क मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों ही प्राइस को शामिल करते हैं, क्योंकि दोनों ही प्राइस को, दोनों ही क्वांटिटी को शामिल कर लिया गया है, इसलिए अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप ए से बी पे जा रहे हो या बी से ए पे आ रहे हो, यानी कि एक तरीके का एवरेज हम लेके चलेंगे। तो किस तरीके से आंसर निकलेगा बच्चों इस वाले मेथड में, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हम आर्क मेथड का यूज करते हैं, अच्छा वो ऊपर वाला डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, अगर हम आर्क मेथड का यूज करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी जीरो प्लस पी वन इंटू क्यू जीरो प्लस क्यू वन, यानी कि क्वांटिटी में जो परिवर्तन आ रहा है, अब क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है 20 की, अपॉन प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 2 का इनटू, दोनों ही प्राइस ले लेंगे तो प्राइस हो गया हमारा 22 और दोनों ही क्वांटिटी ले लेंगे तो क्वांटिटी हो गई 180। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, तो इसका मतलब है 22 बटे 18 को जब आप सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू आर्क मेथड के द्वारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का तरीका होगा। इसका मतलब इस केस में आप किसी को भी प्राइस मानो, किसी को भी क्वांटिटी मानो, आपके आंसर में किसी भी तरीके का चेंज नहीं देखने को मिलेगा। बच्चों लास्ट जो मेथड है वो है रेवेन्यू मेथड। रेवेन्यू मेथड किस तरीके से आपका सॉल्व होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रेवेन्यू मेथड का फॉर्मूला होता है a अपॉन a माइनस m। तो कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा गया है जिसमें आपसे रेवेन्यू में और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किस तरीके से रिलेशन है वो बताना है। उसके लिए बच्चों हमने एक और वीडियो अलग से बनाई हुई है, वो कि आपको प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे, आप चाहो तो उसको देख लीजिएगा, चाहो तो स्किप कर लीजिएगा, वो आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन आपको बेसिकली ये याद रखना है कि किस तरीके से हम इस पी पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे। तो हम जानते हैं कि लोअर सेगमेंट अपन सेगमेंट होता है, तो पी बी जो है वो लोअर सेगमेंट है और अपर सेगमेंट पी ए है। अब हम जानते हैं कि पी ए पी एन, देखिए ए क्या है, ए पी एन, ये वाला और ये वाला सिमिलर है, तो सिमिलर होने की वजह से इसकी जो 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 इसकी लाइन होंगी वो भी सिमिलर होंगी, यानी कि पी ए और पी बी की जगह हम पी बी जो है उसकी जगह हम पी क्यू लिख सकते हैं, और इसी तरीके से ए पी की जगह ए एन लिख सकते हैं। बच्चों इसकी जगह ये भी देखिए, ये वाली लाइनें भी एक दूसरे के बराबर बराबर मानी जाएंगी, तो ये भी बराबर बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए एन है वो पी एल के बराबर होगी, तो ए एल और पी एन बराबर बराबर मान लिया हमने यहां पे। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, यानी कि पी ए इक्वल टू ये वाली लाइन आ गई, यहां पे ये वाली लाइन लिख दी हमने, और इस ए एन की जगह पी एल यूज करेंगे, तो हमने लिख दिया ये वाली लाइन।
यानी कि पी, अब ये जो पी एल है देखिए ये वाले जो लाइन है पी एल, पी एल का क्या मतलब है, पी एल जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू माइनस एल क्यू के, तो वो हमने यहाँ लिख दिया है बच्चों। इसका मतलब जो हमारा पी क्यू है ई से लेके क्यू तक, ये हमारी एवरेज रेवेन्यू है जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया ए, और पी क्यू एवरेज रेवेन्यू है, इसमें से एल क्यू जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू है। तो आपका जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा इक्वल टू ए माइनस एम। ठीक है बच्चों, तो आप ये तरीका है रेवेन्यू मेथड निकालने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो बच्चों देखिए, मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि एक होती है इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड, कई बार इसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड भी बोल देते हैं। कई बार इसको मोर इलास्टिक डिमांड भी बोल देते हैं। तो तीनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब यह होता है कि किसी भी फैक्टर में चेंज आने की वजह से, बेसिकली तो चेंज प्राइस में ही वजह से आ रहा है, लेकिन किसी भी फैक्टर में चेंज आने की वजह से अगर डिमांड में मोर चेंज होता है, डिमांड लीड्स मोर चेंज, तो उसको बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। यानी कि अगर हम ये कहें कि प्राइस में अगर 20% का चेंज आ रहा है और आपको लगता है कि डिमांड में 50% का चेंज आ जाएगा, तो इसको कहते हैं बच्चों रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड, या मोर इलास्टिक डिमांड, या इलास्टिक डिमांड। दूसरा है लेस इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड को रिलेटिवली लेस इलास्टिक भी बोल सकते हैं और इन इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं, इन इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हो। तो बेसिकली आपको यह बात याद होनी चाहिए कि किसी भी गुड्स की जो डिमांड है वो प्राइस पे तो डिपेंड करती है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो इलास्टिसिटी है वो प्राइस के द्वारा इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो उस प्राइस को इन्फ्लुएंस के इम्पैक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गुड्स है, मान लीजिए एक मिल्क है या पेट्रोल है, ठीक है। अब मान लीजिए मिल्क पर जीएसटी लगा दिया सरकार ने और कहा कि भाई हर दूध की उस पर 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, या पेट्रोल में मान लीजिए 100 रुपये की जगह 110 रुपये हो जाएगा। तो पेट्रोल और मिल्क इस तरीके के नेचर के हैं कि आप चाह के भी इनकी डिमांड को कम नहीं कर सकते हो, यानी कि अगर प्राइस में चेंज होता भी है तो नेचर इस तरीके का है इन गुड्स का, जिसकी वजह से आपको डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। यानी कि मिल्क और पेट्रोल ऐसी गुड्स हैं जिनकी डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक होगी। तो बच्चों मैंने आपको बेसिक मतलब बता दिया है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने आपको कवर किए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड में हम बात करें, मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस सडनली बढ़ गया, तो जैसे ही प्राइस बढ़ता है हम अपनी डिमांड को एडजस्ट नहीं कर पाते। अगर मान लीजिए कोई चीज़ आप यूज़ करते हो और आप यूज़ करते ही उसकी जो डिमांड है वो डबल हो जाए, लेकिन आप बहुत जल्दी उसका आप कह सकते हो उसको डिमांड को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन धीरे 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 क्या होगा, हमारा डिमांड का पैटर्न चेंज होगा और हम उस डिमांड के कई सारे और विकल्प भी तलाश कर सकते हैं, या उस डिमांड के जो आदिपन है उसको भी हम छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग पीरियड जितना ज़्यादा होगा डिमांड उतनी ज़्यादा इलास्टिक देखने को मिलेगी, और जितना पीरियड शॉर्ट होगा डिमांड उतनी ही कम इलास्टिक होगी। तो ये बात आप याद रखिएगा कि लॉन्ग पीरियड में मोर इलास्टिक डिमांड होती है और शॉर्ट पीरियड में लेस इलास्टिक डिमांड होती है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में आप डिमांड में परिवर्तन कम होता है जबकि लॉन्ग पीरियड में डिमांड बहुत ज़्यादा बदल सकती है। इसके अलावा बच्चों सब्स्टिट्यूट गुड्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अब एक ऐसी गुड्स ले लीजिए जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे बिजली है। अब बिजली का कोई विकल्प ही नहीं है तो हमें मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, ऊंची कीमत देके भी उस बिजली को प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि अगर थोड़ी बहुत कमी आती भी है, लेकिन जितनी कमी प्राइस में आई है, चेंज प्राइस में हुआ है, उससे कम चेंज आएगा। यानी कि अगर गुड्स लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट के साथ मौजूद है, यानी कि ऐसी गुड्स है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, यानी कि सब्स्टिट्यूट नहीं होने की वजह से उसकी जो डिमांड होगी वो लेस इलास्टिक होगी।
जबकि अगर मान लीजिए किसी गुड्स का सब्स्टिट्यूट है जैसे टाटा स्काई, डिश टीवी, बिग टीवी, सन टीवी, पता नहीं कितने सारे डिश टीवी है, तो आप एक का प्राइस बढ़ने पर दूसरे पर जा सकते हो। आप एयरटेल महंगा हो जाए तो जियो टी पे जा सकते हो, जियो महंगा हो जाए तो वोडाफोन पे जा सकते हो। कहने का सिंपल मतलब ये हुआ कि आपके पास जितने विकल्प ज्यादा होंगे किसी भी गुड्स की डिमांड उतनी ही ज्यादा इलास्टिक होगी, यानी कि ऐसी गुड्स पर प्राइस का असर ज्यादा पड़ेगा जिसके सब्स्टिट्यूट होते हैं, और ऐसी गुड्स का डिमांड पे कम असर पड़ेगा जिसके सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। इसके अलावा जो नेचर ऑफ गुड, नेचर का मतलब वस्तु किस तरीके की है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई नेसेसरी गुड्स है, दूध है, पानी है, पनीर है, सब्जी है, तेल है, गेहूं है, चावल है, इस सब की डिमांड लेस इलास्टिक की होगी क्योंकि हमारे जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ट्रिप बनाना है गोवा का, गोवा का ट्रिप नहीं बनाओगे तो कौन सा मर जाओगे, तभी भी जिंदा रहोगे। मूवी मत देखो, अगर आपको लगता है मूवी महंगी है मत खाओ पॉपकॉर्न मूवी के अंदर जाके अगर आपको लगते हैं महंगे। तो सिंपल मतलब कहने का बच्चों ये हुआ कि अगर गुड्स की इस तरीके की है जिसकी आपको जरूरत नहीं, सॉरी जो जो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, लग्जरी गुड्स है, तो उसकी डिमांड मोरली मोर इलास्टिक होती है। हालांकि कंफर्ट गुड्स के बारे में आप कह सकते हो कि इसकी डिमांड तो नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली लग्जरी गुड्स की डिमांड मोर इलास्टिक और नेसेसरी गुड्स की डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रोपोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर, देखिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा किसी गुड्स पे खर्च कर रहा है, मान लीजिए हम फूड पे या हम मनोरंजन पे 80% खर्च कर रहे हैं, अब मनोरंजन महंगा हो जाएगा तो हम मनोरंजन की पे अपना खर्चा कम कर देंगे, लेकिन अगर किसी गुड्स ऐसी है जिस पर हम बहुत कम पैसा खर्च कर रहे हैं तो प्राइस बढ़ने पर भी हम उस, क्योंकि हमारी इनकम का बहुत कम परसेंटेज खर्च हो रहा है इसलिए कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर गुड्स ऐसी है जिस पर आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है, लार्ज स्केल पर आप पैसा खर्च कर रहे हो, तो उसकी जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक होगी, और बहुत कम प्रोपोर्शन में पैसा खर्च कर रहे हो तो उसकी डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक होगी। इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स जो है वो ड्यूरेबल है या नहीं है, जितनी ज्यादा गुड्स ड्यूरेबल होगी, ये गलत हो गया, इधर आएगा, अगर परशिएबल गुड्स है तो उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होगी, ज्यादा परिवर्तन उसमें कर नहीं सकते, और ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड में मोर इलास्टिक होगी क्योंकि जब गुड्स ड्यूरेबल है तो हम इसे बाद में खरीद लेंगे, अभी खरीद के करोगे क्या, तो ये उल्टा हो गया है बच्चों, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। इसके अलावा यूजेस, अगर मान लीजिए मल्टीपल यूजेस हैं तो उसकी डिमांड मोर इलास्टिक होगी क्योंकि मल्टीपल यूज के केस में ऐसा हम कर सकते हैं कि एक दो यूज कम कर दें, लेकिन अगर किसी चीज का सिंगल यूज है तो आपको वो यूज करना ही पड़ेगा, और जब आप यूज करोगे तो उसकी डिमांड में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मल्टीपल यूजेस हैं तो उसकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है, और सिंगल यूजेस हैं तो उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है। अगला पॉइंट है बच्चों पोस्टपोन ऑफ यूजेस, अगर आप किसी गुड्स के डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, अगर आपको मान लीजिए किसी को बर्थडे गिफ्ट देना है, रोज डे पे रोज देना है, तो रोज चाहे महंगा हो जाए रोज डे पे ही दोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप रोज डे की जगह 10 दिन बाद महीने भर बाद दे दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई गुड्स ऐसी है जिसके उपभोग को आप यूज करोगे ही करोगे, स्कूल की फीस जमा करानी है, खाना खाना है, ये सारी चीजें इमरजेंसी है, आप भविष्य के लिए टाल नहीं सकते, इसीलिए ऐसी गुड्स की जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक देखने को मिलती है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज है जिसको आप फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हो, 2 साल 5 साल 10 साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हो, तो आमतौर पर इसकी जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक देखने को मिलती है। इसके अलावा बच्चों अगर कोई व्यक्ति किसी का हैबिचुअल हो जाता है, मान लीजिए हैबिचुअल हो गया, अब किसी को शराब पीने की आदत है वो शराब पिएगा, जिसको सिगरेट पीने की आदत है वो सिगरेट पिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी गुड्स को लेकर हैबिचुअल हो जाता है तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि हर परिस्थिति में वो उसका प्रयोग करना चाहेगा, और जब उसका वो प्रयोग करेगा, जब उसका वो यूज करेगा, तो उसकी जो डिमांड है उसमें कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अगर मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा है जो गुड्स के प्रति हैबिचुअल नहीं है, अब जैसे मान लीजिए मुझे खाने में मान लीजिए पनीर डोसा खाना अच्छा लगता है लेकिन मैं हैबिचुअल नहीं हूँ, पनीर डोसा अगर महंगा हो जाएगा तो नहीं खाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ और खा लेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हैबिचुअल हो गया है, उसको मान लीजिए नशा है उसका, तो डेफिनेटली वो उसको खाएगा चाहे वो महंगा ही क्यों ना हो जाए। तो ये सारी बातें हमें समझनी है। इसके अलावा जो प्राइस लेवल की बात करें, देखिए अगर कोई गुड्स बहुत हाई है तो उसका प्रयोग बहुत अमीर लोग कर रहे होते हैं, बहुत लो है तो बहुत गरीब कर रहे होते हैं ना। प्राइस बहुत हाई है तो अमीर लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो गुड्स बहुत महंगी होती है या बहुत सस्ती होती है उनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है, और जिसकी जो नॉर्मल गुड्स होती है उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है। लास्ट हम बात करें बच्चों इनकम ग्रुप, तो जो एक्सट्रीमली हाई इनकम ग्रुप है,
अरब पति है खरब पति है, क्या फर्क पड़ रहा है, कार 50 लाख की जगह 52 लाख की हो जाए, 55 लाख की हो जाए, 60 लाख की हो जाए, वो तो फिर भी खरीदेंगे। या एक्सट्रीमली लो है, वो तो बेचारा अपनी बेसिक नीड ही पूरी कर पा रहा है, वो तो फिर भी बेसिक नीड पूरी करेगा अगर ऐसा व्यक्ति है तो। यानी कि एक्सट्रीमली हाई है या एक्सट्रीमली लो है, तो उन दोनों की डिमांड लेस लेस चुक होती है, जबकि मिडिल इनकम ग्रुप जो हम और आप जैसे लोग आते हैं, ठीक है, उसकी जो डिमांड है वो इलास्टिक होती है। तो बच्चों ये सारी के सारे पॉइंट अगर आप लर्न कर लोगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका अगर किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि डिमांड कब इलास्टिक होगी, कब इनइलास्टिक होगी, आप बता सकते हो। बच्चों इसके अलावा अगर सब्जेक्टिव आंसर देना है तो इन्हीं चीज़ों को आप डिटेल में बता दीजिएगा, तो सब्जेक्टिव आंसर बन जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से मेरी वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।